नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। वी हैव बीन डूइंग द टॉपिक ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड इन दिस केस जस्ट आई वॉन्ट टू लेट यू नो इफ यू हैव ऑब्टेंड अ डिग्री इन योर फेवर एंड द अदर पार्टी हु हैज लॉस्ट द केस एंड दैट पार्टी इज नॉट कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द डिग्री देन यू हैव टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। अगर जो विरोधी पार्टी है जिसने जो केस हार चुकी है, आपके फेवर में डिग्री हुई है एंड अदर पार्टी इज नॉट कंप्लाइंग विद, सपोज डिग्री इज इन फेवर की आप यू शुड बी हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी, दिस इज द डिग्री इन योर फेवर, और डिग्री में भी रिगार्डिंग दी मनी, बट दी अदर पार्टी इज डिनाइंग, दूसरी पार्टी आपको मना कर रही कि नो वी विल नॉट गिव यू दैट मनी, वी विल नॉट कंप्लाई विद दी डिग्री ऑफ द कोर्ट, हम कोर्ट की डिग्री को भी नहीं मानेंगे, देन वॉट इज द रिमेडी, रिमेडी फॉर यू इज वॉट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। तो सेक्शन 76 to 74 दीज डील्स रेड विद ऑर्डर 21, 36 to 74 एंड ऑर्डर 21, दीज प्रोविजंस डील विद द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। यहां पर हम लोग अभी 39 तक कर रहे हैं, सेक्शन 36 से लेकर के 39, एक एक सेक्शन को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ाया और समझा है। राइट नाउ वी विल गो फर्दर, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन 40 एंड आई बिलीव कि आप लोग यहां से पकड़ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 40। दिस इज सेक्शन 40, प्लीज सी दिस। एंड अगेन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, दिस सेक्शन विल नेवर कम इन योर मेंस, ये मेंस में नहीं आएगा। ये सेक्शन कहां पर आएगा आपको, दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड हेडिंग इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच सेक्शन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू अनदर स्टेट, दिस इज डीलिंग विद द सिचुएशन व्हाट व्हेन द डिग्री इज टू बी ट्रांसफर टू अनदर स्टेट। सपोज फॉर एग्जांपल रश्मि मैडम फाइल्ड ए केस, दिस इज रश्मि वर्सेस आलिया भट्ट। नाउ रश्मि फाइल्ड ए केस इन दिल्ली एंड डिक्री हैज बीन पास इन हर फेवर एंड दैट इज अगेंस्ट द आलिया भट्ट। नाउ द डिक्री इज रिगार्डिंग व्हाट, डिक्री इज रिगार्डिंग दैट आलिया भट्ट शुड गिव ₹1 crore टू रश्मि, रश्मि को 1 crore रुपया देना है आलिया भट्ट ने, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नाउ, बट शी इज नॉट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर, नहीं कर रही है, देन दिस डिक्री इज टू बी एग्जीक्यूटेड, इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना होगा। एंड नाउ हेयर बिकॉज द कोर्ट विच पास द डिक्री इज इन दिल्ली
नाउ दिस डिक्री इज ट्रांसफर टू बी टू द अनदर स्टेट. ये डिक्री कहां भेजनी पड़ेगी? अब किसी अन्य राज्य में भेजनी पड़ेगी. तो वो विच सेक्शन इज दैट विच डील्स विद द इशू, वो कौन सा सेक्शन है विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू द कोर्ट इन अनदर स्टेट. दूसरे राज्य में स्थित न्यायालय को यदि डिक्री का स्थानांतरण करना पड़े तो वो कौन सी धारा है जो इस संबंध में आपको बताएगी. तो सेक्शन इज व्हाट 40. आई बिलीव के बैकग्राउंड आप लोग समझ गए होंगे. हाँ या ना बताइए जल्दी से. देन आई गो टू द ब्रेक लैंग्वेज. कीप आंसरिंग कि आपको समझ में आया नहीं आया. एंड दिस इज द ब्रेक लैंग्वेज. प्लीज सी दिस. दिस इज ब्रेक लैंग्वेज. प्लीज रीड इट. दिस इज ब्रेक लैंग्वेज. वेयर ए डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर स्टेट. वेयर ए डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन इन अनदर स्टेट इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज हाईलाइट दिस. इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट. अब यू प्लीज सी दिस. कहां कहां से क्वेश्चन यहां से प्रिलिम्स के बनते हैं, है ना. पहले मैं आपको समझाता हूं उसका मीनिंग क्या है एंड देन आई विल लेट यू नो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द क्वेश्चंस इन योर प्रिलिम्स एग्जाम बिकॉज दिस सेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट एज आई सेड फॉर द मेंस. मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. तो ये कह रहे हैं कि जब कोई डिक्री दूसरे स्टेट में सिचुएटेड कोर्ट के लिए भेजी जाएगी, दूसरी वेयर ए डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर स्टेट, जब कोई डिक्री दूसरे राज्य में भेजी जाएगी तो इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट, यह उस न्यायालय को भेजी जाएगी. नंबर वन, दोषी हो गए. किस द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? टू विच कोर्ट सच डिक्री शुड बी सेंट. इस डिक्री को कौन सी कोर्ट को भेजा जाएगा, यह पहला क्वेश्चन हुआ, है ना. तो रश्मि को पहला क्वेश्चन यह समझ क्वेश्चन था कि नाउ द डिक्री इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. डिक्री इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इन हर माइंड इज व्हाट? टू विच कोर्ट द डिक्री शैल बी सेंट, बिकॉज देयर मे बी सो मेनी कोर्ट्स इन द मुंबई इटसेल्फ. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीनियर सिविल जज सीनियर डिविजन, सिविल जज जूनियर डिविजन, देर आर सो मेनी कोर्ट्स. So to which court this decree should be sent? This is the first question. And secondly, what will be the procedure of the execution of the decree by that court? Us court ke dwara jo decree execute karayegi, in what manner? Kaun se manner se karayegi? This is the second question. Samjhe? So please see this. These are the two questions. To which court and in what manner this decree should be executed. So answer is in the Berek language of section 40. In prashno ka uttar aapko milega dhara 40 mein, 40 mein. Please read it again. Dekhiye, focus kijiye. It shall be sent to such court. Aise niyalay ko bheji jayegi. Kaise niyalay ko? Aise padhi. As may be prescribed. Jo ki को प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, जो कि नियमों द्वारा बताया जाएगा. कौन से नियमों द्वारा? इनफोर्स इन दैट स्टेट. दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली. सो कौन से नियम बताएंगे? देर आर टू स्टेट्स इन्वॉल्व. फर्स्ट नंबर इज दिल्ली, फ्रॉम वेयर डिक्रीज टू बी सेंट, एंड अनदर इज महाराष्ट्र, यू कैन से, है ना. सो विच रूल्स ऑफ विच स्टेट, यहां से क्वेश्चन आएगा कि रूल्स ऑफ विच स्टेट विल प्रिवेल और विल गाइड द इशू. कौन से कोर्ट को भेजा जाएगा, ये कौन से नियमों से निर्धारित होगा, जो कि ट्रांसफरी स्टेट के लिए, जिस स्टेट को आप भेज रहे हैं उस स्टेट में जो नियम होंगे उनके अनुसार ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी कोर्ट को डिक्री भेजी जाए, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा. तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं. देखिए, दो इशू हैं इसमें. See, this is Delhi to Maharashtra. Decree is to be sent to Delhi to, from Delhi to Maharashtra.
हेयर देयर आर रूल्स ऑफ दिस स्टेट्स एंड देयर आर रूल्स ऑफ दिस स्टेट्स एज वेल. सो नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40, सेक्शन 40 सेज दीज रूल्स टू विच डिक्री इज बींग सेंट. दीज रूल्स विल डिसाइड नंबर वन टू सच कोर्ट टू विच कोर्ट. नंबर टू मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन. सो विच रूल्स विल डिसाइड द रूल्स ऑफ द स्टेट टू विच डिग्री इज बींग सेंट विल डिसाइड दीज क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स. सो प्लीज लेट मी नो ये आपको समझ में आया या नहीं आया जनाबे आली फटाफट. तो बेसिकली ये है, इस स्लाइड से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए. देखिए इस स्लाइड में क्या है, डिक्री इज बींग सेंट फॉर एग्जीक्यूशन वेयर इन अनदर स्टेट. देन नंबर वन इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर. कैसा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किए जाए. कौन से नियम द्वारा, बाय रूल्स इनफोर्स इन दैट स्टेट मीन्स टू विच दिस डिग्री इज बींग सेंट. तो लेट मी नो एवरी वन प्लीज ये समझ में आया या नहीं आया. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स. दिस इज द क्वेश्चन वेयर ए डिक्री इज टू बी सेंट टू इन अनदर स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन. इट हैज टू बी सेंट बाय, ये तो यहां अगर हाई कोर्ट, ये द कोर्ट विच पास द डिक्री. ये भी ध्यान रखना, बस यहां पे एजेस में क्वेश्चन आया हुआ है. तो सेक्शन 40 से इतना ही बहुत है, बस आगे बढ़ते हैं. अब आ जाइए सेक्शन 41 पर. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. प्रीलिम्स के लिए फिर इंपॉर्टेंट है भाई. ये क्या है, रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड. क्या है पढ़ते हैं जरा देखिए. दिस इज द कोर्ट, ऐसे पढ़िए, द कोर्ट टू विच ए डिग्री इज सेंड फॉर एग्जीक्यूशन. हम किस कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए. द कोर्ट टू विच ए डिग्री इज सेंड फॉर द एग्जीक्यूशन, वो कोर्ट जिसको एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री भेजी गई है. क्या करेगी कोर्ट, दिस कोर्ट शैल सर्टिफाई वॉट, किसको, टू दी कोर्ट विच पास्ड इट. इस कोर्ट को सर्टिफाई करेगी, क्या सर्टिफाई करेगी, दैट द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन और वेयर द फॉर्मर कोर्ट फेल्स टू एग्जीक्यूट द सेम द सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग सच फेलियर. अब मैं आपको समझाता हूं इसको क्या मतलब है, इसको देखिए. सी दिस इज सेक्शन 41. प्लीज सी दिस नाउ. नाउ द डिक्री हैज बीन सेंड टू द कोर्ट. द डिक्री हैज बीन सेंड टू द अनदर कोर्ट फॉर व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन. नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द दैट कोर्ट, दैट दिस कोर्ट विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. दिस कोर्ट विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स. इन उन प्रोसीडिंग्स का, दैट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का आउटकम क्या रहा, दैट हैज टू बी सर्टिफाइड. दैट कोर्ट भी मेरी कोर्ट है. सपोज आई हैव सेंट ए डिक्री टू योर कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन. नाउ नेचुरली इट्स योर ड्यूटी दैट आफ्टर योर प्रोसीडिंग्स यू विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज. You may execute it, or you may not be able to execute it. There may be chances that you tried your heart, the court tried its best, but फिर भी execution proceedings हो नहीं पाई, वो decree execute हो नहीं पाई. तो there are two possibilities. In both cases, what you will have to do, you will have to certify it. You will have to inform कौन सी court को, जिसने आपको decree भेजी थी. मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज एग्जीक्यूट दिस डिग्री. सो अल्टीमेटली यू विल हैव टू इन्फॉर्म मी.
वही कॉन्सेप्ट है सेक्शन 41 का। इसको दोबारा पढ़िए, एक एक शब्द पर ध्यान देना जरा अच्छे तरीके से। इस बैकग्राउंड में देखिए क्या है, द कोर्ट टू विच डिक्री इज सेंट, वो कोर्ट जिसको डिक्री भेजी गई है शैल सर्टिफाई करेगी टू द कोर्ट विच पास्ड इट, जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया है उसको सर्टिफाई करेगी। क्या सर्टिफाई करेगी? द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन नंबर वन, या तो ये करेगी या तो यहां लिखा है और। सो दिस कोर्ट इफ द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड, इफ द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड देन दिस कोर्ट विच एग्जीक्यूटेड इट, जिसने इस डिक्री को निष्पादित कर दिया है वो कोर्ट भेजने वाली कोर्ट को, यानी कि जिसने डिक्री पास की है उसको ये बताएगी, सर्टिफाई करेगी कि इस डिक्री का एग्जीक्यूशन हो गया है। द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन, बात समझ में आ गई? एक बात हो गई। या अब मान लीजिए एग्जीक्यूशन नहीं होता है, और देन दिस इज द सेकेंड ऑल्टरनेटिव, क्या है? वेयर द फॉर्मर कोर्ट फेल्स टू एग्जीक्यूट द सेम, इट मींस इट इज अनेबल, दिस कोर्ट फेल्स टू एग्जीक्यूट मींस वो एग्जीक्यूट नहीं करा पाई, देन दिस सर्कमस्टेंसेस, इन दैट केस व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग सच फेलियर्स, व्हाई व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू द फेलियर ऑफ एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाया, उन हालातों के बारे में बताएगी। तो बेसिकली यू सी दिस स्लाइड, ठीक, कौन सी कोर्ट? द कोर्ट टू विच डिक्री इज सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन, वो कोर्ट जिसको ये डिक्री एग्जीक्यूशन में भेजी गई है क्या करेगी ये? इट शैल सर्टिफाई नंबर वन, या तो ये सर्टिफाई करेगी द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन और द सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग द फेलियर, इधर वन इधर टू, या तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो कोर्ट ये बताएगी कि साहब ये एग्जीक्यूट हो गई है, और अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तो उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताएंगी, उन घटनाओं के बारे में बताएंगी, उन हालात के बारे में समझाएंगी, बताएंगी कि क्यों नहीं हो पाया। तो आई बिलीव कि आप इसमें बुरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके होंगे, समझ में आया नहीं होगा, नींद के झोंटे आने लगे होंगे आप लोगों को, या नहीं आए? यहां इसमें इतना ही है, इतना और देख लीजिए, कौन सी कोर्ट है? दिस कोर्ट, द कोर्ट, इधर ध्यान रखिएगा, द कोर्ट टू विच अ डिक्री सेंट शैल सर्टिफाई टू, कौन सी? टू द कोर्ट विच पास्ड इट, इस कोर्ट को सर्टिफाई करेगी, ये इसी कोर्ट से डिक्री गई थी तो सी टू विल सर्टिफाई टू सी वन। तो ऐसा समझिए, ये रहा आपके लिए फॉर्मूला, सी वन कोर्ट ट्रांसफर्ड डिक्री टू सी टू, नाउ इट विल सर्टिफाई, सर्टिफाई, इट विल सर्टिफाई टू सी वन, दो बातें, एग्जीक्यूशन और फेल रीजन सर्कमस्टेंसेस ऑफ फेल्योर, फेल्योर ऑफ एग्जीक्यूशन, हाँ है ना, बताइए बस। तो दिस इज ऑल ओवर सेक्शन 41। सो ये हुआ, अब ये, अब आइए, वी हैव डन 40, वी हैव डन 42, नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शंस, प्लीज कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।